लड़की लड़का को फोन करके बोली, हैप्पी बर्थडे जानू। लड़का बोला, थैंक यू बेबी। लड़की बोली, मैं तुम्हारे घर पर 7 बजे आऊंगी। लड़का बोला, ठीक है बेबी। लड़का 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक लड़की का इंतजार करता रहा, पर लड़की नहीं आई तो लड़का मायूस होकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक से लड़की 9 बजे लड़का से मिलने के लिए उसके घर आती है। लड़का बोलता है, आने में इतनी देर क्यों हो गई? लड़की बोलती है, ट्रैफिक बहुत थी इसलिए लेट हो गई, सॉरी जनू। फिर लड़का बोलता है, कोई बात नहीं बेबी, चलो डिनर करते हैं। तभी लड़की की माँ का फोन आता है लड़के को, और वह रो रही थी। लड़का लड़की के माँ से पूछता है, आप रो क्यों रही हो आंटी जी? लड़की की माँ बोलती है, बेटा मैं हॉस्पिटल में हूँ। इतना बोलकर फिर वह जोर जोर से रोने लगी। लड़का को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आंटी रो क्यों रही है। लड़का बोला, आप परेशान मत होइए, मुझे बताए कि हुआ किया है। लड़की की माँ बोली, बेटा मेरी बेटी जोया का एक्सीडेंट हो गया है, हम लोगों ने बहुत कोशिश की पर उसे बचा नहीं पाए। लड़का तुरंत मुड़कर लड़की की तरफ जैसे ही देखता है, लड़की अंधेरे की तरफ हाथ में कैंडल लिए जा रही थी और बोली, आई लव यू जानू, मैंने अपना वादा पूरा किया। तभी लड़का जमीन पर धराम से गिरता है और जोर जोर से रोने लगा। किसी ने किया खूब कहा है, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता।